उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन पड़ा। इस हादसे में तमाम परिवारों ने अपनों को खो दिया, सैकड़ों लोगों को जिंदगी भर का जख्म मिल गया। हालात की नाजुकता को भांपते हुए रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चला और महज 51 घंटे में ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। देश अब हादसे से उभरने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ रहा है, घायलों का इलाज तेजी से चल रहा है और पूरे देश की संवेदना इस ट्रेन हादसे के शिकार लोगों के साथ है। हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान कराने के लिए अब जांच सीबीआई के हाथ में है, लेकिन सिर्फ जख्मों पर ही मरहम लगाने और जांच कराने से इस हादसे का दर्द भुलाया नहीं जा सकेगा। अब जरूरत है ऐसे सिस्टम की जिससे भविष्य में ऐसा कोई ट्रेन हादसा ना हो। जरूरत है ट्रेनों को ऐसा सुरक्षा कवच देने की जिससे आने वाले वक्त में ऐसे हादसों में किसी बेकसूर की जान न जाए। आधुनिक तकनीक की मदद से एक ऐसा तरीका इजाद किया जाए जिससे ट्रेन हादसों को टाला जा सके। इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में कंप्यूटर की मदद से इंटेलिजेंट मशीनें बनाने का विज्ञान है। इसमें मशीनों की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है कि जरूरी काम ये मशीनें बिना किसी इंसानी दखल के खुद ब खुद कर लें। यानी अगर दो ट्रेनें किसी भी वजह से एक ही ट्रैक पर आ जाएं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम खुद ही ट्रेनों को ब्रेक लगाकर रोक दे। जानकार बताते हैं कि ऐसे सिस्टम को कारगर तरीके से लागू करने के लिए ट्रेनों के तमाम डेटा की जरूरत होती है। ट्रेनों की रफ्तार, GPS लोकेशन, सभी ट्रेनों को स्टेशन से निकलने का वक्त, अगर इन सभी डेटा को एक ही सर्वर पर डाल दिया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। सभी ट्रेनों का डेटा एक साथ होने पर किसी भी टकराव की स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही ट्रेनों को अलर्ट कर देगा। या ट्रेन का जो करंट GPS लोकेशन है, टाइमिंग है, वो सारी जो सेंसर्स है, सेंसर्स का कैलिब्रेशन कि सेंसर कितना एक्यूरेटली काम करते हैं, हम कितना माइन्यूट लेवल पर सेंसर्स को चेक करते हैं रेगुलरली, ताकि हमें वो एग्जैक्ट डेटा मिल सके जिस डेटा को हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर डालने के बाद एक ऐसा सिस्टम ट्रेन कर पाएँ जो कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर ले कि आगे 1 किलोमीटर बाद या इस तरह का कोई हादसा होने के चांसेस हैं। तो प्रिडिक्शन जब होता है ऑटोमेटिकली मशीन के पास जब इतना डेटा होगा, इतने सालों का डेटा जब वो अपने अंदर ट्रेन करेगा, तो वो आगे के प्रिडिक्शंस उतने ही अच्छे लेवल पर कर सकता है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं जो कि प्रिडिक्शंस को बहुत ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। रेलवे फिलहाल कवच सिस्टम से ऐसे डेटा कलेक्ट करती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सारे डेटा को एक सिस्टम के तहत इस्तेमाल करने से हादसों को टालना मुमकिन होगा। रेलवे के पास डेटा तो मौजूद है, लेकिन इन सभी डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में फिर कोई ट्रेन हादसा नहीं होगा। जो एंड पॉइंट से जो डेटा आता है, जैसे GPS का लोकेशन आ रहा है या ट्रेन का जो स्पीड आ रहा है, ये सब चीजें ट्रैक होनी चाहिए और मल्टीपल एक सेंट्रलाइज सर्वर के पास वो सब कुछ जाए, ताकि वो सिस्टम उसको एनालाइज करे और सामने उसके लिए रिजल्ट, बेसिकली एक्शंस भी ले पाए। हमें सिर्फ यही डिटेक्ट नहीं करना कि कोई कोलिजन हो सकता है, उसके बाद हमें एक्शंस भी लेने हैं, और बिल्कुल कम से कम समय में हमारे पास वो एक्शंस भी, और ये एक्शन मैनुअल ना होकर ऑटोमेटिक हो जाए। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वक्त के साथ इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब इंसानों की बनाई इस आधुनिक तकनीक के दम पर इंसानों को महफूज रखने की राह तलाशी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।